करने वाली हूँ गेट के लिए तोरण। इसे बहुत से लोग गेट के लिए झालर भी कहते हैं। तो बहुत ही इस टाइम ये ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट में, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के मिलते हैं। तो उसे मैंने घर पे ही बनाया है। तो घर पे बनाने के लिए मैंने जो भी मेरे पास घर पे वेस्ट मटेरियल थे उन्हीं का यूज़ करके मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज हम अपने घर के जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं घर में उन्हीं का मैं यूज़ करके बहुत ही अच्छा सा एक तोरण बनाने वाली हूँ। तो फॉर्म शीट ये ले ली है। ये फॉर्म शीट जो भी न्यू क्लॉथ होते हैं उनमें इस तरीके की फॉर्म शीट निकलती है। और ये कपड़ा कट पीस रखा हुआ था मेरे पास काफ़ी टाइम से, तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से दोनों तरफ से इसको कवर कर लेना है। अब कवर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने अपने डोर की जितनी भी लंबाई थी उस हिसाब से इसको ले लिया है। अब ये वाली जो चेन है ये मेरे पास एक दुपट्टा था वो काफ़ी टाइम पुराना हो गया था, तो उसी दुपट्टे में से मैंने ये वाली चेन निकाल ली है। और ये काफ़ी अच्छी ही एक लैस टाइप का काम करेगी। और ये लैस ही है एक तरीके से, इसमें छोटी छोटी मोतियाँ हैं। और इस तरीके से देखो मैं सुई की हेल्प से इसको इस तरीके से उसमें पूरे में अटैच कर दूंगी और ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं इस तरीके से इसको बांध दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसे सिलाई करने वाला कोई वो नहीं है। तो इसके सुई की हेल्प से ही इस तरीके से इसको थोड़े थोड़े दूर पे इसको बांधना पड़ेगा। तो मैंने इसमें पूरे में इस तरीके से ही इसमें अच्छे से इसको बांध लिया है। अगर आपके पास भी साड़ी या दुपट्टा की कुछ पुरानी लेसेस रखी हों तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की लैस लगा के भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखो मैंने थोड़े थोड़े दूर पे मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद इसमें मिरर लगा लिया है। और मिरर लगाने के बाद जो ये मैंने चेन लगाई थी उसी में से कट करके इसके देखो ऐसे इस तरीके से सुई की हेल्प से पूरे में राउंड कर लूँगी। राउंड करने से इसका मिरर का लुक और लेंस हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पूरे पे मैंने इस तरीके से इसको सुई की हेल्प से पूरा राउंड कर लिया है। अब ये मेरे पास कुछ कौड़ी शेल रखे थे तो इनका भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिरर के। अब इसे राउंड में मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये जो कौड़ी शेल है ये एक साइड होल वाले हैं, तो इस तरीके से मैं देखो थोड़े से दूर पे इसको इस तरीके से सुई की हेल्प से यहाँ पे सारी वन बाय वन करके इसमें लगाते जाऊँगे। तो मेरे पास जो भी घर में मटेरियल है मैं उन्हीं का यूज़ करके इसको पूरा डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ देखो मैंने पूरे 6 कॉरी शेल लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरीके से थोड़े थोड़े दूर पे मैंने और भी फूल बना रखे हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से इसने सुई को तरीके से अच्छे से बांध लिया है। अब ये मोती मैंने मार्केट से बहुत ही सस्ते में परचेज़ की थी और इसी मोतियों से मैं अपने सारे DIY कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं तो मैं इन्हीं का मोतियों का यूज़ करके बहुत ही अच्छा सा एक तोरण बनाने वाली हूँ। और ये मोती काफ़ी ही सस्ती मिलती हैं। मैंने 120 की हाफ KG परचेज़ की थी। तो देखो मैंने सबसे पहले जो वाइट मोती है उसको 12 डाला है एंड जो गोल्डन मोती है उसको 15 एंड देन फिर वाइट मोती 12। और इस तरीके से थोड़े दूर पे मैंने इसको बांध दिया है। और बांधने के बाद थोड़े से गैपिंग पे मैं इस सुई को निकाल लिया है तरीके से। अब यहाँ पे जैसे वाइट मोती 12 है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाइट मोती इसमें 14 डाली है। अब गोल्डन मोती उसमें 15 थी तो इस वाले में मैंने 17 डाली है, मतलब दो दो एक्स्ट्रा मैंने
बढ़ा के इसमें डाली है, जिससे थोड़ा सा ये वाली जो लड़ी है थोड़ी सी बड़ी रहे। अब बस इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको टांग दूंगी। अब तो अभी आप देखना, बहुत ही लो प्राइस में मैं बहुत ही सुंदर सा गेट के लिए झालर बना के रेडी कर दूंगी, और इससे हमारे जो भी घर के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, और उन्हीं वेस्ट मटेरियल से हम बहुत ही सुंदर सुंदर से DIY बना के रेडी कर देते हैं। अब यहाँ मैंने थर्ड लेयर इसमें भी दो दो एक्स्ट्रा करके इसमें मोती डाल लिया है, तो उसमें 14 डाली, तो उसमें 16 वाइट डली है और गोल्डन 19 डली है, और इस तरीके से ये तीन लड़ी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो आप भी इस तरीके से मोती मार्केट से परचेज करके काफ़ी सुंदर घर के लिए बहुत सारे DIY बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बड़ी छोटी इस तरीके से मोतियों को कंप्लीट किया है, बनाया है लड़ी, और इसी तरीके से यहाँ पे देखो मैंने पूरे में बना के कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे मैंने ये पहले इस तरीके के कमल बनाए थे और उसी के साथ मैंने एक्स्ट्रा कमल भी बना लिए थे, तो उसको इस तरीके से ग्लू स्टिक की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। तो आपने ये वाली, अगर ये आपको देखना है कि मैंने किस तरीके से बनाया है, तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इसको। ये भी मैंने कार्डबोर्ड पे और मोल्डेड क्ले की हेल्प से बनाया है पूरा। तो यहाँ पे मैंने 3 साइज़ के कमल का यूज़ किया है, तो सबसे बड़ा वाला बीच में लगाया है और साइड साइड में उसे छोटे छोटे करके इस तरीके से साइज़ बाय साइज़ लगा लिए हैं। तो ये सबसे छोटा वाला था। अब यहाँ पे ये कुछ चिड़िया रखी हैं जो मैंने इसे भी कपड़े से बनाई है। अब बस जो भी मेरे पास घर में मटेरियल है मैं उन्हीं का सबका यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बाहर से परचेस करके महंगा बना रही हूँ। तो नीचे मैंने देखो यहाँ पे भी कॉर्डिशर लगा लिया है लटकन के लिए, अगर आपके पास ब्लाउज़ वगैरह के लटकन हो तो डायरेक्ट आप उनका भी यूज़ करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल था नहीं, तो मेरे पास ये छोटी छोटी बर्ड रखी थी तो मैं उन्हीं का इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो बस जो अब इन्हीं मोतियों का देखो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी घर में मटेरियल रखा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि मैं इनका किस तरीके से इसको यूज़ कर सकूँ। बस फिर बस उन्हीं मटेरियल का यूज़ करके आप तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसके बीचों में ऐसे इस तरीके से इसको लटका देना है। देखो साइड में मुझे यहाँ पे लटकाना था, तो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने घंटी लटका ली है, और इस तरीके से मोती डाल के साइड में एक बर्ड वाली और एक घंटी वाली मैंने लटकन बना ली है, और लास्ट में यहाँ पे छोटे छोटे कुंडे बना रहे हैं, वो भी मैंने घर पे मोती से ही अपने इसको बना रखा है कि आसानी हो मुझे ऐसे हैंग करने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लगाए हैं क्योंकि ये बहुत हैवी था,